Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, तो आज मैं आपको वर्कआउट कराऊंगा, वो है गेनिंग का वर्कआउट, वो है लेग्स का, और लेग्स के मैं प्रॉपर आपको चार या पांच सेट बताऊंगा। तो गाइज करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है रवि सिंह और आप देख रहे हैं बिलाल द बाबा जी यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, एक्सरसाइज में बेसिकली वार्म अप करा रहा हूं मैं आपको प्रॉपर तरीके से। तो पहले वार्म अप के लिए आपको स्क्वाट्स के तीन सेट निकालने होंगे, वो है आपका बॉडी वेट स्क्वाट्स। तो आपको पोजीशन पूरी प्रॉपर ध्यान से देखनी है, लाइक आपके हैंड्स पीछे रहेंगे नेक के, और आपको बीच में आपके लेग्स के मिड में 1.5 फीट का गैप आएगा लाइक दिस। सो नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो गाइस इसका आपको प्रॉपर तीन सेट लेना है, पहला 20 रेपिटेशन का, दूसरा 30 रेपिटेशन का, तीसरा आपको लेना 40 रेपिटेशन का। सो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बारबेल स्क्वाट। तो बारबेल स्क्वाट्स करने के लिए पहले आपको पोजीशन पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपने हैंड्स को प्रॉपर, ये रॉड होती है ओलंपिक रॉड, स्टार्टिंग आप यहां से लेंगे या यहां से भी ले सकते हैं। बहुत से क्या करते हैं, आपको वाइड करते हैं फिर क्लोज वाइड करते हैं, तो आपको क्लोज वाइड चलना है यानी कि सेकेंड एंगल पर, ठीक है। तो यहां से आपको पुट ऑन करना है, और जब आप बारबेल के अंदर इन करो तो आप ये एंगल पूरा देख लीजिएगा जिससे आपकी नेक पर आए इस जगह प्रॉपर, ठीक है, नेक के पीछे की तरफ। सो मैं पहला सेट निकाल लेता हूं, और स्क्वाट्स की प्रॉपर पोजीशन देख के चलिएगा रेपिटेशन, और मैं कहां तक जाता हूं वो भी, ठीक है। सो नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो गाइस इसके आप प्रॉपर तीन सेट निकाल लें, पहला 12 रेपिटेशन का मास्टर लेवल के लिए, जो अभी लाइक न्यू जिन्होंने जर्नी स्टार्ट कर लिए जिम लाइन में, वो कम से कम वेट लेकर चलें, और रेपिटेशन 8, 10, 12 बिगिनर्स के लिए। मास्टर लेवल वाले बंदों के लिए जो गेन कर रहे हैं, लाइक जिन्होंने पहले से जिम ज्वाइन कर रखा है और काफी टाइम तक वर्कआउट किया है, उनके लिए पहले 12 रेपिटेशन फिर 12 एंड देन 50 रेपिटेशन। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे लेग प्रेस। तो लेग प्रेस करने का पूरा प्रॉपर तरीका समझ लीजिए, ठीक है। सो पहले पोजीशन क्रिएट करनी है, बहुत से लोगों को पोजीशन क्रिएट करने में दिक्कत होती है और पोजीशन प्रॉपर क्रिएट भी नहीं कर पाते। सो आपको पोजीशन क्रिएट करने के लिए लेग से थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बहुत से लेग्स यहाँ रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं। तो पहले गेनिंग के लिए प्रोसेस समझ लें, क्योंकि हैमस्ट्रिंग को और आपकी पूरी लेग्स को कवर करती है, तो ये आपको लेग्स यहाँ रखनी है प्रॉपर लाइक दिस, ठीक है। और जितना ज्यादा आप इन एंगल जो पकड़ने के लिए हैंड्स होते हैं जो बनाए जाते हैं उनको लाइक टाइट करके पकड़ना है, जिससे ग्रिपिंग स्ट्रांग रहे और आपकी पावर प्रॉपर तरीके से आउट हो, तो ये ठीक है। अब थर्ड मेथड समझ लीजिए, जब मैं इसको प्रेस करूंगा और डाउन जाऊंगा, तो डाउन जाते वक्त तो आपको ये लेग्स इस तरीके से ओपन करनी है, देख सकते हैं पूरा, ठीक है, लाइक फ्री ओपन करना, और लेग्स पूरी स्ट्रेट नहीं करनी, बैंड रखनी है। स्ट्रेट करने से घुटना नीचे मुड़ सकता है सर, लेग बैंड और टूट भी सकती है, लाइक आपका घुटना भी टूट सकता है, ठीक है। सो आपको लेग्स इस तरीके से बैंड रखनी है प्रॉपर, फिर उसके बाद प्रेस करनी है लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो इसकी रेपिटेशन आपको प्रॉपर 10 भी निकाल सकते हो, 12 भी निकाल सकते हो पहले सेट में,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वेट ज्यादा लैक्टेज पे हैवी लिया जाता है ऑलमोस्ट जब सबको ये रहता है कि इजी पड़ती है तो इसलिए हैवी वेट निकालते हैं। तो इसमें आपको रेपिटेशन 10 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन जो होगी आपके लिए वो ये होगी कि आप 10, 12, 15 निकालें, और मास्टर लेवल के लिए होगी 12, 12, 15। तो गाइस थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे लैग कर्ल। तो लैग कर्ल करने के लिए सबसे पहले आपको पोजीशन पर ध्यान देना, तो पोजीशन में सबसे ज्यादा गलतियां होती है, ठीक है। तो पोजीशन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ये अपनी नई बॉडी पोजीशन लेनी होगी प्रॉपर, ठीक है, और हैंड्स आपके प्रॉपर टाइट रहेंगे, नेक आपके बिल्कुल सामने रहेगी, और आपको अंदर से कॉन्सेंट्रेट करना है वर्कआउट पर। ये नहीं कि आपको साइड में देखना, इधर देखना है, तो एक्सरसाइज डिवाइड हो जाता है जब आप वर्कआउट करते हो। ओके, सो नाउ 1, 2। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, आपको पूरा प्रॉपर नीचे नहीं ले कर जाना है। जितना ज्यादा आप बैंड रखोगे, लाइक स्मॉल बैंड रखोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग पर प्रेशर आएगा, जो आपकी ब्लड्स पर और हैमस्ट्रिंग पर और इनर थाई पर प्रेशराइज होगी, जिससे आपकी थाइस डेवलप होगी और गेनिंग होगी। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो गाइस इसके आपको प्रॉपर 3 सेट निकालने हैं। पहला सेट आपको 12 रेपिटेशन जाएगा, इसमें थोड़ा वेट कम करके चलेगा, पहले आपको प्रॉपर आना चाहिए, देन उसके बाद आप इस वेट को हैवी कर सकते हो। तो पहले 12 रेपिटेशन, दूसरा 12 रेपिटेशन, तीसरा 15 रेपिटेशन। मास्टर लेवल के लिए अगर आप रेपिटेशन बढ़ाना चाहते हैं तो 15 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले 15, फिर 20 एंड देन 30। सो गाइस लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे सुमो स्क्वाट्स, डबल सुमो स्क्वाट्स, ठीक है। इसके लिए पोजीशन ले लीजिए प्रॉपर, नीचे थोड़ा गैप कर लीजिएगा, प्लेट्स पर रख लीजिएगा, स्टेज पर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इसकी पोजीशन पर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो गाइस इसके आपको प्रॉपर 3 सेट निकालने हैं, पहला सेट आपका 12 रेपिटेशन का, दूसरा 12 रेपिटेशन का, और तीसरा आपको 15 रेपिटेशन का लेना है। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें आप वेट भी बढ़ा सकते हो, सेट भी बढ़ा सकते हो, और सेट का लाइक वेट आप कम भी कर सकते हो, रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हो। तो लास्ट सेट पूरा प्रॉपर तरीके से फिलअप करने के लिए होता है ओवरऑल थाइस को। ओके गाइस, एंड होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।